नमस्कार। आज मुझे काठकंदा पिठो बा काठआलु पिठो तैयारी करके देखेबी। आम मैंने जमी कंदमूल खंब आलु पिठाआलु देशी आलुर व्यवहार करता ठीक से भाई एक मूल ये काठकंदा हेउछि सिमिली गछर मूल तेणु यह सिमिली कंदा बोली कहुए। साधारणतः कोरापुट गंजाम मयूरभंज केउछरे बसवास करथुबा आदिवासी माने याको बहुल भाव में व्यवहार करथांती। याको से माने पानी दे सिझे के खाइथांती। एथिरु किंतु विभिन्न प्रकार जिनस सब तयारी करा जाय से मध्येरे म आज आपण मानको पिठो भजा तयारी करके देखिबे। सेथिपई देखंतु मु ओटे पैन रे किछि पानी गरम कर नै छी। एबे सेथिरे किछि लुण दउ छी। तापरे गोटे काठकंदा को भल भाव में धोई के एथेरे दे दौछि। एको किछि समय सिझेबा पई रखि दबा। चुली रे आंच को मीडियम रे रखि के एको 5 रु 10 मिनट में सिझे देबे। ए देखंतु इटा बे सिझि जाई छि। वर्तमान हमें चुली को बंद कर दबा। एबे एको पानी रु काढि नबा। आपण माने चाहिले एको एभली भाव रे सिझा मध्य खाइ परिवे। नचेत आपण एको पिठो भजा करिकि मध्य खाइ परिवे। देखंतु एथिरु म एबे चोपा छोडे देली। तापरे एको एभली भाव रे लंबा भागिया करिके काटि नेली। साधारणतः तो पिठो भजा जो भाई होता है यहाँ ठीक से भाई हम ये देखते मुझे बाटिक रखी पिठो को एदेजी जमी बतुराई चाउल जीरा कंचा लंका अदा ठीक से भाई बाटि नहीं जिनस को देखिए लुण हलदी एवं किसी धनिया पत्र को काटिकी बर्तमान सब जिनस को भल भाव मिसई नवा। तापर पिठो को भाजवाप देखो ये मुझे पैन टे गरम करके दुई रु तीन चमच हम तेल दे तेल टिके गरम हो गला। पिठोरे गोल रखि काठकंदा को गोटे पर गोटे करके चूली आंच को मीडियम रो हाई फ्लेम रखिकी ये भाव में दुई पाख भल भाव लाल हला पर्यंत या भाजी नबा। दुई पाख पूरा भल भाव हो गला। ये देखते भजा गुड़िकमर बे सुनेली रंगर हो जाए या तेल रू का नवा। बर्तमान आम काठकंदा बा काठआलु पिठो भजा तैयारी हो गला। माटीआलु बा देशी आलु खाइबा को जमी स्वादिया लगी थाए काठकंदा पिठो भजा मध्य ठीक से भाई स्वादिया लगे।